नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के रुड़की के थाना पीरान कलियर के रहमतपुर रोड पर खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया गया कि डंपर निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी लेकर जा रहा था। वहीं खनन से भरे डंपर से दो दिन में यह दूसरा हादसा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मिट्टी ले जाने के लिए कई डंपर लगे हुए हैं, जो कि दिन रात मिट्टी लेकर सड़कों पर जोड़ते हैं। वहीं आज एक डंपर रहमतपुर से मेहवड़ कला की ओर मिट्टी लेकर जा रहा था। जैसे ही वह रहमतपुर पुलिया के पास पहुंचा तो उसने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार डंपर की चपेट में फंसकर पूरी तरह कुचला गया, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं दो दिनों के अंदर खनन सामग्री से भरे डंपर से यह दूसरी घटना हुई है। दो लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। वहीं जेसीबी पार्टी के अध्यक्ष ने खनन से भरे सड़कों पर दौड़ते बेलगाम वाहनों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में कई जगह परमिशन की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही। उन्होंने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, उस वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, देहात चढ़ना को हो रहा है, तो उसमें क्या लगाम इन लोगों के पत्ते लगा जाएगा? देखिए, निरंतर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को और बढ़ाया जाएगा, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके। जो लोग भी निर्धारित गति सीमा से अधिक तीव्र गति से वाहन चला रहे हैं, उनके भी, और एल्कोमीटर से जो लोग नशे में का सेवन करके वाहन चला रहे हैं, उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वक्त हो चला है आप विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।